हेलो दोस्तों, धमाका ट्रिक ट्रेन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक न्यू वीडियो जिसके अंतर्गत परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, दो अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग 44 है, उसके अंकों का योग क्या है? तो आइए करते हैं। तो दोस्तों लिखेंगे, माना कि वह संख्या बराबर 10x+y है तथा अंकों को पलटने से बनी संख्या तथा अंकों के पलटने से बनी संख्या बराबर, ये हो गया आपकी 10y+x, अंकों से बनी संख्या का योग। अब इन दोनों का योग यानी ये हो जाएगा आपका 10x+y+10y+x बराबर 44 है। तो दोस्तों अब ब्रैकेट के लिए खोल लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10x+y+10y+x बराबर 144। तो अब देखिए, 10x और 1x हो गया आपका 11x प्लस 10y और 1y हो गया कि 11y बराबर 44। अब इसमें से हम 11 कॉमन निकाल देंगे तो ये हो जाएगा आपका 11x+y बराबर 44। तो ये हो जाएगा आपका x+y बराबर 44/11। तो x+y बराबर 11 × 44, ये आपका आंसर है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपके यह क्वेश्चन ठीक तरह से समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है हमारा, अगर किसी संख्या का 7/9 और उसके 2 गुने के बीच 132 का अंतर हो तो वह संख्या क्या होगी? तो आइए करते हैं। तो देखिए लिखेंगे, माना, दूसरा वाला क्वेश्चन आपका, माना कि वह संख्या बराबर x है। तो देखिए, अगर किसी संख्या का 7/9 उसके 2 गुने के बीच का अंतर, 2 गुना होगा आपका 2x-7/9 x, अंतर 19 तक घटाओ बराबर 132। तो देखिए ये हो गया आपका, लासा ले लेंगे इसका, 9 × 2 = 18, 18x-7x/9 बराबर 132। तो देखिए 18 में 7 गया तो बचा आपका 11x और इधर हो गया आपका 132 × 9, x बराबर हो गया आपका 132 × 9/11, x इक्वल टू हो गया आपका, देखिए 11 × 11 और 11 × 22 × 9 तो हो गया आपका 12 × 108, ये आपका आंसर है। तो दोस्तों आशा करता हूँ दूसरा क्वेश्चन भी आपको ठीक तरह से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तो दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है हमारा, दो अंकों की संख्या में से जब 14 घटाया जाता है तब उस संख्या का 3/4 प्राप्त होता है, तो उस संख्या के अंकों का गुणनफल क्या है? तो लिखेंगे, माना कि वह संख्या बराबर x है, अतः तो x माइनस, इसमें से 14 घटाया जाता है तो संख्या प्राप्त होती है हमको
चौथा या 3/4x। तो ये होगी आपकी x माइनस 14 बराबर 3x/4। पक्षांतर कर लेंगे इधर तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 3x/4 बराबर 14। चार इकन चार में से तीन गया तो ये बची आपकी x/4 बराबर 14। तो ये हो गया आपकी x बराबर 4×14 बराबर 56। अतः अंकों का गुणनफल गुणनफल बराबर 6×5/30 ये आपका आंसर है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको तीनों क्वेश्चन ठीक तरह से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई ट्रिक के साथ।